हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देसूरी ब्लॉक में 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए, आंकड़ा हुआ 37। प्रवासियों ने फेरा स्थानीय लोगों के प्रयासों पर पानी। देसूरी ब्लॉक में 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक सुरक्षित रहे सादरी नगर पालिका क्षेत्र बड़े कस्बे नाडौल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ ब्लॉक में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया है। सभी संक्रमित रोगी मुंबई से लौटे प्रवासी व उनके परिजन हैं। सादरी CHC प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र पुनमिया ने बताया कि रविवार देर रात आई रिपोर्ट में सादरी पालिका क्षेत्र में 2 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से एक मेघवालों का बड़ा बास व एक देवाधड़ा बस्ती का है। वहीं मांडीगढ़ में 2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। सूचना मिलने पर मध्य रात पुलिस प्रशासन पहुंचा और संबंधित पॉजिटिव के क्षेत्र में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। इसी के साथ मेडिकल टीम ने रात को ही चारों पॉजिटिव को सोनाना के कोविड केयर सेंटर में होम क्वारंटाइन कर दिया है। वहीं पॉजिटिव रोगियों के 16 परिजनों को सादरी के कोविड सेंटर में होम क्वारंटाइन किया गया है। सोमवार दोपहर को आए रिपोर्ट में सादरी की जाटों की डोरन बस्ती लोबो अरट बेरे में 1, नाडौल में 1, वीरमपुरा माताजी में 2, सारंगवास में 1 व आना में 1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें सोनाना के कोविड केयर सेंटर में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इनके संपर्क में व्यक्तियों को सादरी के मुक्ति धाम कोविड केयर सेंटर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। मांडीगढ़ ग्राम पंचायत के अलसीपुरा ग्राम में पहले ही 2 पॉजिटिव मिल चुके हैं। सादरी व मांडीगढ़ ग्राम पंचायत में अब कुल 7 पॉजिटिव हो चुके हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जाने से क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन किया, लेकिन प्रवासियों ने उनके सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया। इधर सादरी नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश मीना ने बताया कि मेघमालों का बड़ा बास व देवाधड़ा को कंटेनमेंट जोन चिन्हित कर इसे जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं इसे सटे नगर पालिका क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया। इसके तहत दूध, किराना व सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 12 बजे तक खुली रहेंगी। दूध की दुकानें शाम को भी खुलेंगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे। मीना ने अपनी मौजूदगी में कंटेनमेंट जोन के रास्ते बंद करवा कर सील कराया और हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया। बाद में तहसीलदार माधोराम पुरोहित, SHO गिरधर सिंह ने पुलिस के साथ मांडीगढ़ सहित प्रभावित इलाकों का दौरा कर सभी इंतजामों का जायजा लिया। मांडीगढ़ से आसूचना अधिकारी संतराम मीना ने सभी रास्ते बंद करवाए। सादरी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।